किसी ने नए पाकिस्तान का हशर देखना है तो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर देखे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफीन पर कड़ी तनकीद। चीचा वतनी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इल्जाम तराशी करने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। 2018 में हुकूमत भी हिसाब देगी और अपोजिशन भी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सियासत से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि अगर किसी ने सियासत करनी है तो वो कोई दूसरी पिच तलाश करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पैमरा मुलाजमीन को धमकियों का नोटिस ले लिया। धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। पीटीआई ने अदालत उस्मा और इलेक्शन कमीशन के दायरा समाअत पर तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। आइंदा समाअत 23 मई को होगी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। कराची में 24 मिलियन रुपए की लागत से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नई इमारत की तामीर। आईजी सिंध एडी खाजा और अमरीकी सफीर डेविड हिल ने इफ्तिताह किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के आजम का इजहार। शहरियों को शहीद करने और तालीमी इदारों को तबाह करने वाले 4 दहशतगर्दों को तख्ता दार पर लटका दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई और उनका ताल्लुक अलदम तहरीक के तालिबान से था।